वेलकम टू कॉमर्स स्क्यूचर। आज हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट करने वाले हैं, और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए ना, बिहार बोर्ड का जो आने वाला एग्जाम है 2023 में, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कवर करवाऊंगा आपको पार्ट वाइज पार्ट। चलिए, तो पहला चैप्टर तो हमने आपको करवा दिया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, और दूसरा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, लेकिन उसका फंडामेंटल है, फंडामेंटल, हाँ, सेकेंड चैप्टर है। तो अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। आइए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है वो क्या है, समझ गए ना। तो देखिएगा, पार्टनर के कैपिटल के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है उसको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखो, सबसे पहले देखो एप्रोप्रिएशन होता क्या है। एप्रोप्रिएशन हम उसको बोलते हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, विच इज गिवेन, विच इज गिवेन आउट ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, टू द पार्टनर्स, तो ध्यान दीजिएगा पार्टनर्स। यानी अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब फर्म को प्रॉफिट होता है और पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट होता है, फर्म जो कहता है कि हाँ भाई मैं आपको सैलरी दूंगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगा, पार्टनर के कैपिटल पे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर को किसी भी प्रकार का हो सकता है कमीशन मिलेगा, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो फर्म को प्रॉफिट होने पे पार्टनर को पे करना होता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, समझ गए। ये तभी दिया जाएगा पार्टनर को जब फर्म को प्रॉफिट होगा, समझे। चार्ज समझ लेते हैं, क्योंकि आगे टॉपिक में आएगा चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है कि विच इज गिवेन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, दो अलग अलग चीज है। चार्ज का मतलब होता है जैसे कि सैलरी, सैलरी किसको? स्टाफ को, सैलरी स्टाफ को, उसके बाद में रेंट, रेंट के बाद में हो गया कि अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस दिया है तो उस एडवांस पे ब्याज जो फर्म पे करता है, सपोज करो कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, गिवन बाय पार्टनर। उसके बाद में मान लीजिए जैसे कि वेजेज हो गया एक्सेट्रा, हाँ। अब ध्यान दो, चार्ज का मतलब क्या होता है कि विच इज गिवेन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। जो प्रॉफिट में तो पे किया ही जाए, लॉस हो तो भी पे किया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। अब देखो, चार्ज का मतलब होता है कि जो कंपलसरी नेचर का पेमेंट है, जैसे कि सैलरी हुआ, रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके ऊपर जो फर्म ब्याज पे करता है, तो ये सब क्या है? कंपलसरी नेचर का। फर्म को प्रॉफिट हो तो भी, लॉस हो तो भी, ये पे करना ही पड़ेगा फर्म को, समझ गए ना। तो ये सब को बोलते हैं चार्ज। चार्ज को कहाँ दिखाते हैं? तो देखिएगा, चार्ज को दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
और अप्रोप्रिएशन को कहाँ दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आइए ध्यान से अब देखते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे बेटे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर के पूंजी पे अगर कोई ब्याज दिया गया है तो ये अप्रोप्रिएशन नेचर का, अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होता है किसी भी फॉर्म में वो होता है 50, अ मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। उसके बाद देखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, तो ध्यान से देखेंगे तो समझना है इस क्वेश्चन में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ, तो ध्यान दीजिएगा जब कैपिटल, जब कैपिटल प्लस होगा तो क्रेडिट किया जाएगा और जब कैपिटल माइनस होगा तो डेबिट किया जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई पार्टनर ने, कोई पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को पूंजी दिया है, मान लेते हैं 5 लाख रुपया, तो फर्म इस पूंजी के ऊपर अगर ब्याज पे कर रहा है तो पार्टनर का जो कैपिटल है, पार्टनर का जो कैपिटल है तो प्लस होगा, है ना। सपोज करो एक्स है, एक्स ने फर्म को दे रखा है कितना बाबू, 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया जो दे रखा है फर्म को, तो फर्म अगर इस कैपिटल के ऊपर अगर ब्याज पे कर रहा है तो क्या है, इस पार्टनर का पूंजी बढ़ता है। तो रूल्स में क्या लिखा है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, कैपिटल का घटना डेबिट होता है। तो ध्यान दीजिएगा द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आंसर होगा। हाँ ड्रॉइंग के ऊपर ब्याज का मतलब क्या होता है कि जब, जब मान लीजिए फर्म, फर्म से एक्स निकाल लेगा पैसा, समझ गया ना, फर्म से एक्स प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाल लेगा और उस पैसे पे जब एक्स ब्याज भरेगा तो ये क्या हो जाता है, ये फर्म के लिए इनकम हो जाता है और पार्टनर का कैपिटल इससे घट जाता है। जब ड्रॉइंग के ऊपर ब्याज भरेगा एक्स तो ये क्या हो जाएगा, फर्म के लिए तो इनकम हो जाएगा लेकिन एक्स का कैपिटल माइनस हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये होगा नहीं आंसर, ड्रॉइंग भी नहीं होगा, लॉस अगर ये सब जितना भी पार्ट हो गया ना तो सब में क्या होगा, कैपिटल माइनस जाएगा, समझ गया ना, सब में कैपिटल माइनस जाएगा। तो कैपिटल माइनस जाने पे क्या होगा, सब डेबिट होता चला जाएगा, तो इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होगा। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ फर्म, ऑनर का रिलेशन, एजेंट का रिलेशन, एन ऑनर एन एजेंट, तो देखिएगा ये भी सही है, ये भी सही है, और सी ऑप्शन में दोनों है, तो ऑनर भी होता है फर्म का और एजेंट भी हो सकता है फर्म का, समझ गया ना। हर पार्टनर अपने फर्म का मालिक भी कहलाता है और साथ साथ उस फर्म का एजेंट भी कहलाता है, अपने फर्म के बदला वो काम कर सकता है, समझ गया ना, सारे पार्टनर के बदला भी वो काम कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द फर्म, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। हाँ फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज, अब पार्टनर के ड्रॉइंग के ऊपर अगर कोई ब्याज मिलता है, ध्यान दो, अब देखो यहां पे एक चीज समझो। हाँ अब मान लो ये फर्म है, ये फर्म है, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है, ये क्या है बाबू, फर्म है, फर्म है, फर्म से ये पार्टनर एक्स है, हाँ इन्होंने 1 लाख रुपया निकाल लिया, कितना निकाल लिया 1 लाख। फर्म क्या कहता है कि मुझे 10% आईओडी चाहिए, कितना चाहिए 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहिए, और फर्म क्यों लगाएगा ये, देखो ये लगाने के पीछे एक नियम है, नहीं तो क्या होगा कि हर पार्टनर फर्म से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देगा, प्राइवेट काम के लिए पैसा निकालना स्टार्ट कर देगा, तो फिर क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि फर्म के पास कैपिटल ही नहीं रहेगा और पूरे फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। तब ध्यान से देखेंगे बाबू, एक्स ने 1 लाख रुपया निकाला,
1 लाख पे 10% फर्म कहता है कि मैं ब्याज लूंगा, अगर तुम मुझसे निकालोगे पैसा तो मैं 10% ब्याज लूंगा। यानी 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपया अगर फर्म ब्याज लेता है, तो ये पैसा क्या है? फर्म के लिए तो इनकम है, फर्म के लिए क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इनकम है। और ये पार्टनर्स के लिए क्या है जो पे कर रहा है, इसके लिए ये पैसा एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। इसका क्या होगा, पार्टनर क्या क्या होगा? तो देखो, पार्टनर के कैपिटल में से माइनस किया जाएगा इस पैसा को, समझ गया ना, पार्टनर के कैपिटल में से माइनस किया जाएगा इस पैसे को। अब हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाए, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स अगर हम बनाते हैं, तो ये फर्म का बनता है। फर्म को अगर कोई भी फायदा होता है, फर्म को अगर कोई भी फायदा होता है, तो फर्म इसको कहाँ दिखाएगा, क्रेडिट में। अब फर्म को अगर कोई भी घाटा होता है, तो उसको फर्म कहाँ दिखाएगा, डेबिट में। अब मान लो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर अगर ब्याज भरता है फर्म, तो फर्म के लिए घाटा है, तो टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म यहां दिखाएगा। फर्म अगर किसी पार्टनर को सैलरी पे करता है, तो सैलरी यहाँ दिखाएगा। ऐसे ही पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो यहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि पार्टनर को अगर मिलता है तो फर्म का घाटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ड्राइंग के ऊपर जो ब्याज वसूल रहा है 10,000, फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म इसको करेगा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, आपको ये शॉर्टकट नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर। हाँ चलो, तो ये क्या पूछ रहा है कि इंटरेस्ट फॉर द फर्म, फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखो फर्म के लिए इनकम है, तो अपना क्रेडिट में दिखाएगा, समझ गया ना, तो ये फर्म के लिए इनकम। फिर लिखा हुआ है इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप पास्ट, तो 1932, पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, तो 1932 में, समझे। उसके बाद देखेंगे व्हेन ए पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, सच इंटरेस्ट विल बी पेएबल। तो जब किसी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस इंटरेस्ट को कब पे किया जाएगा? तो यहां देखिए हम क्या बताएं, किसी भी पार्टनर को जब ब्याज मिलेगा तो किस केस में मिलेगा, प्रॉफिट के केस में मिलेगा। जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, चाहे उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके कैपिटल पे ब्याज मिलेगा, तो आउट ऑफ प्रॉफिट, समझे। तो कभी भी किसी भी पार्टनर को अगर ब्याज मिलेगा उसके पूंजी पे, तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही मिलेगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी, अब ध्यान से देखिएगा, तो आइए बाबू इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं, समझ गया ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, पार्टनर सैलरी। तो देखिए जब पार्टनरशिप डिड नहीं बना हो, जब पार्टनरशिप डिड नहीं बना हो, मतलब पार्टनर और फर्म के बीच एक पेपर वाला जो डिड होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है, समझ गया ना, डिड नहीं बना है, तो आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना होगा। ये बात कौन सा है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे रेम्यूनरेशन। जैसे कि बीच में अगर कोई पार्टनर सैलरी मांगना स्टार्ट कर देगा, कमीशन मांगना स्टार्ट कर देगा, तो क्या मिलेगा? तो नो, बीच में किसी भी पार्टनर को ना रेम्यूनरेशन मिलेगा, ना सैलरी, कमीशन, ये सब नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जो पूंजी लगाता है फर्म में, उस फर्म के द्वारा पार्टनर के पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट जो बटेगा, जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगा, वो कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। और एडवांस गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पर 6% के दर से पार्टनर को पर एनम फर्म ब्याज पे करेगा। किसको पे करेगा, पार्टनर को फर्म ब्याज पे करेगा पर एनम 6% के दर से, समझ गए ना, क्योंकि
क्योंकि फर्म किसी से भी लोन लेता, बैंक से लोन लेता या किसी से भी लोन लेता, तो उसको तो ब्याज पे करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता। तो अगर पार्टनर से लोन लिया है, मान लो कि मुसीबत घड़ी में पार्टनर अगर फर्म को लोन दिया है, तो उस पार्टनर का पूरा पूरा हक बनता है कि उस फर्म से ब्याज वसूले। तो अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है, एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो उस केस में 6% के दर से पार्टनर को ब्याज मिलेगा, न 6% से ज्यादा मिलेगा ना कम। उसके बाद देखते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब पार्टनर फर्म से क्या किया है, पैसा निकाल लिया है प्राइवेट यूज के लिए, तो उस पैसा पे फर्म भी ब्याज नहीं मांग सकता। जब पार्टनर फर्म से पैसा निकाल रहा है प्राइवेट यूज करने के लिए, तो उस पैसे पे फर्म ब्याज रिकवर नहीं कर सकता है पार्टनर से। समझ में आए? तो ये कुछ नियम है बाबू, ये 6 नियम आपको याद रखना होगा। हाँ, तो यहाँ क्या है क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर सेल, अगर एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो क्या क्या होगा, क्या होगा? तो देखो, बी सैलरी, बी पेड सैलरी, नहीं, ये गलत जवाब है। नॉट बी पेड सैलरी, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। समझ गया ना? बी पेड सैलरी दोज हु वर्क, नहीं, जो काम करे नहीं करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सीधा पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो किसी भी कंडीशन में सैलरी पार्टनर को नहीं मिलेगा। समझ गया ना? हाँ, जब आपस में सारे पार्टनर सहमत हो जाए कि हाँ मिल सकता है, तो अलग बात है। जब सब पार्टनर सहमत हो जाएगा तो मिल सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मल केस में ये नियम आपको याद रखना है, हाँ नहीं मिलेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच अकाउंट आर ओपेंड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होगा। देखो, जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो ध्यान दीजिएगा, दो अकाउंट बनेगा। हाँ, एक तो बनेगा करेंट अकाउंट, बनेगा, और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। हाँ, जितना भी कैपिटल का एडजस्टमेंट है, कैपिटल का एडजस्टमेंट का मतलब वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट जितना भी करंट अकाउंट में जाएगा। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब देखो, जैसे कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलने वाला सैलरी, समझ गया ना? उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारा चीज कहाँ जाएगा बाबू? जो कैपिटल को प्लस माइनस करता है, वो सारा का सारा करंट अकाउंट में। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल फिक्स्ड होगा। समझ गया ना? तो कैपिटल केवल चेंज हो सकता है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल अगर हो तो, फिर कोई एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और इसके बाद कैपिटल चेंज नहीं हो सकता। तो फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट नहीं चेंज होता है, जैसा पूंजी लगा रहता है व्यापार में वैसा ही रहता है। समझ गया ना? कैपिटल अकाउंट नॉर्मली चेंज नहीं होता है, जितना पूंजी दिखाते उतना ही हर साल दिखाते हैं, और ये करेंट अकाउंट चेंज होते रहता है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, इसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ गया ना? वीवीआई प्रश्न ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है डेबिट होता है कि क्रेडिट, तो आपको टिक मारना होगा क्रेडिट पे। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे, विच अकाउंट आर ओपेंड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड।
तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, कैपिटल और करंट, देख रहे हैं ना, करंट और कैपिटल है, तो कैपिटल और करंट अकाउंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो हम बताए हैं कि पार्टनर को अगर कोई भी चीज फर्म पे करेगा, पार्टनर को पे करेगा, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में दिखाना होगा। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को ही पे करता है, सैलरी ऑफ पार्टनर ये भी पार्टनर को पे करता है, ट्रांसफर टू रिजर्व यानी ऑल ऑफ दिस। हाँ, प्रॉफिट का वह अंश जो रिजर्व के रूप में रखा जाता है, वो सारा का सारा काम कहाँ पे होता है बाबू, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होता है। ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए। डिविजिबल, ये भी प्रश्न आ सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए कि पार्टनर के बीच में कितना प्रॉफिट बांटना है, इस बात को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। कोई दिक्कत? चलिए फिर अगला देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, पार्टनर्स के ड्रॉइंग के ऊपर जो ब्याज लगता है वो कहाँ डेबिट होता है बताओ। तो पार्टनर के ड्राइंग के ऊपर जो ब्याज लगता है उससे हम ध्यान देंगे कैपिटल, हाँ, प्लस होता है कि माइनस होता है। अब पार्टनर को अगर कोई ब्याज पे करना पड़ रहा है, पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाल लिया घर के यूज के लिए, और उस पैसे के ऊपर पार्टनर ब्याज पे कर रहा है फर्म को, तो उससे क्या होगा बाबू, पार्टनर का जो अकाउंट है ना, पार्टनर का जो कैपिटल है ना, वो कमेगा। कमेगा तो कहाँ दिखाएंगे हम, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, और साइड अगर दे दे तो डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ डेबिट किया जाता है, तो देखो कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल घटता है तो डेबिट किया जाता है। अब इसी फॉर्मूला पे देखो तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट कहाँ किया जाता है, मतलब पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट कहाँ किया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में किया जाता है, क्योंकि कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, कैपिटल का घटना डेबिट होता है इसलिए। अब देखो, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज, अ फर्म के अंदर सारे पार्टनर का लाइबिलिटीज क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है, समझे। गलती कोई करेगा और उस गलती की भरपाई में सारे पार्टनर बराबर का हक है। मान लो कि बैंक से अगर लोन ले लिया गया, हाँ, बैंक से लोन लिया गया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया गया, और एक्स है वाई है, एक्स 2 लाख रुपया लगाया है और वाई 3 लाख रुपया लगाया है बिजनेस में, समझे। अब मान लेते हैं कि वाई अगर मर जाता है तो एक्स ये पूरा पैसा चुकाएगा, कौन चुकाएगा, एक्स पूरा पैसा चुकाएगा, यानी यहां पे लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं है कि आपने जितना कैपिटल लगाया उसके अकॉर्डिंग आप चुकाएंगे, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। यहां पे लाइबिलिटीज जो है, कर्ज जो है, वो अनलिमिटेड है, समझ गया ना। कोई भी पार्टनर, सारे पार्टनर बराबर के हकदार हैं उस कर्जा को चुकाने में। अगर वाई का डेथ हो जाता है तो पूरा का पूरा पैसा बैंक रिकवरी किससे करेगा, एक्स से करेगा। आया बात समझ में। फिर देखते हैं बाबू अगला प्रश्न। इसके बाद बाबू देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, प्रिपरेशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, समझ गया ना, वो वॉलेंट्री होता है। अगर मुझे मन है तो हम ओरल एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, समझ गए, अगर मुझे मन है तो रिटेन एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। हाँ, कोई मैंडेटरी नहीं है, समझ गया ना, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें ये बनाना अनिवार्य है, पार्टनरशिप डीड बनाना अनिवार्य है, हाँ, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। हम ओरल बना के भी काम कर सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन वॉलेंट्री होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल रिटेन, समझ गए, तो ओरल और रिटेन, यानी यहाँ पे अगर हम टिक मारे तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है, ओरल भी हो सकता है रिटेन भी हो सकता है, ऊपर हम लिख दिए हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक मिनट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंपलसरी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी
कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, समझ गया ना, ऑप्शनल है। ये आंसर नहीं होगा इसका, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि मन है तो बनाइए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाइए, और नहीं मन है तो ओरल और रिटेन के बेस पे भी, हम लोग ओरल के बेस पे भी काम निकाल सकते हैं, तो इसका होगा वॉलेंट्री। हाँ, स्वतः। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप सोर्स, अब देखो हम अभी करवाए थे आपको जस्ट कुछ देर पहले, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या है बाबू? क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है, तो आइदर ऑफ टू। उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, अब ध्यान से देखिए, या पार्टनरशिप के फीचर्स इनमें से कौन सा नहीं है। तो पार्टनरशिप के बीच एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट शेयर भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। टू और मोर देन टू पार्टनर होना चाहिए, टू और मोर देन टू पर्सन होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन पार्टनरशिप में लाइबिलिटीज जो होता है ना बाबू, वो अनलिमिटेड होता है, और यहाँ क्या लिख दिया गलती से, लिमिटेड लाइबिलिटीज। तो पूछ रहा है विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप में पार्टनर का लाइबिलिटीज कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, और यहाँ लिमिटेड है, इस वजह से ये गलती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पार्टनर आर डिवाइडेड, ये बता चुके हैं आपको हम, लिस्ट में बताए हैं इक्वली, समझ गया ना। अगर पार्टनरशिप के बीच में कोई एग्रीमेंट ना बना हो, एब्सेंस हो, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा इक्वली बांटा जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो अभी समझाए थे आपको ऊपर कॉन्सेप्ट। हाँ, तो फाइंड द डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर के बीच जो प्रॉफिट होता है बांटने के लिए, उसके लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका सही जवाब होगा फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। इसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवेन टू द फर्म बाय पार्टनर, अब इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवेन टू द फर्म बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को, किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया है, पार्टनर ने फर्म को एडवांस यानी लोन दिया है, तो ये क्या होता है बताइए? ये एक चार्ज होता है फर्म के लिए, क्या होता है बुआ? चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या है कि कंपलसरी नेचर का पेमेंट है। इसने जो एडवांस दिया है, लोन दिया है, पार्टनर ने जो लोन दिया, उस लोन पे इसको ब्याज, फर्म को ब्याज पे करना पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये फर्म के लिए क्या होगा? चार्ज होगा। जब हम हमें किसी भी प्रकार का खर्चा, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों सिचुएशन में पे करना पड़ता है, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, प्रोस्पेक्टस तो नहीं बोलते हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी नहीं बोलते, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप भी नहीं बोलते, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बाबू, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि इन द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, तो देखो फर्म के पास टोटल संपत्ति कितने का है? तो देखिए, टोटल एसेट्स जो है फर्म के पास वो है 4,05,000। कितने का है बाबू? 4,05,000। उसके बाद में कह रहा है कि एंड द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज 55,000, और टोटल जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज वो भी कौन सा, जो बाहरी लोगों को देना है, वो कितना है बाबू? 55,000। तो फिर क्या पूछा जा रहा है कि बताओ सारे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल होता है। तो ये कैपिटल कितना होगा फिर? 3,50,000 रुपया पूरे फर्म का, यानी सभी पार्टनर का कैपिटल होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखेंगे करेंट अकाउंट इज, करेंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट है। रियल क्यों नहीं है? रियल अकाउंट में केवल एसेट्स को दिखाते हैं,
नॉमिनल में क्या है, एक्सपेंस और इनकम को दिखाते हैं, समझ गए ना, नन ऑफ दिस तो कुछ होता ही नहीं। तो रियल अकाउंट में एसेट्स दिखाते हैं, नॉमिनल में इन एक्सपेंस और इनकम को दिखाते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट में क्या है कि पर्सन रिलेटेड सारे अकाउंटिंग हम कहाँ करते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तो पार्टनर भी बाबू पर्सन है, उसका भी नाम होगा एक्स वाई जेड, राम श्याम सोहन मोहन, और नेम रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे वो सारा का सारा पर्सनल अकाउंट होगा। तो करेंट अकाउंट में भी सारे पार्टनर का नाम होता है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन्ड अंडर। देखो तो करेंट अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, तो करेंट अकाउंट तब प्रिपेयर किया जाता है जब फिक्स्ड कैपिटल हो, तब जब फिक्स्ड कैपिटल बेसिस पे अगर कैपिटल अकाउंट अकाउंट को मेंटेन किया गया है, तब जाके करेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू रिसीव। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो पार्टनर को क्या नहीं मिल सकता, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ऊपर करवाए हुए थे देख लीजिएगा उसमें, हाँ, तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवेन टू द पार्टनर 8%, 6%, 9%, भैया कुछ नहीं। हाँ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहेगा तो पार्टनर के कैपिटल के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद देखेंगे, इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, तो किसी भी पार्टनरशिप में जो जनरली लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर ना हो, एलएलपी ना हो, साधारणतः पार्टनरशिप में 50 पार्टनर होते हैं। अगर एलएलपी हो तो एलएलपी में अनलिमिटेड पार्टनर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें से प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कौन है, मतलब कि इसका मतलब क्या है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट होने पे फर्म पार्टनर को पे करेगा। तो भैया लोन के ऊपर ब्याज, फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म को पे करना ही पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, समझे। सैलरी स्टाफ को देना ही पड़ेगा, रेंट लॉस में भी देना ही पड़ेगा, समझ गए ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जो पूंजी लगाया है फर्म में, ये जब फर्म को प्रॉफिट होगा उस पूंजी पर ब्याज प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा पार्टनर को, समझे। पार्टनर के पूंजी पे ब्याज प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा। अगर लॉस होगा तो पार्टनर को उसके पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, समझ गए ना। अब देखो बाब, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, तो पार्टनर के किस कैपिटल पे ब्याज मिलेगा, तो ओपनिंग कैपिटल पे, समझ गए। तो ये सारा कुछ मैंने क्लास में कवर करवा रखा है, क्यों मिलेगा ओपनिंग कैपिटल पे। बस आपको यहां याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पे। उसके बाद इन पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है कैसे शेयर किया जाता है, तो एग्रीड रेशियो, जिस तरह का एग्रीमेंट हमारा होगा उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इन द एब्सेंस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ एडवांस दिया है तो उसके ऊपर पार्टनर को कितना ब्याज मिलेगा, तो करवा रखे हम ऊपर देखिएगा 6% लिखा रखे हैं। हाँ, अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ लोन के रूप में एडवांस दिया तो फर्म पार्टनर के उस एडवांस पे 6% के दर से ब्याज पे करेगा, कब, तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद देखते हैं, व्हेन ड्रॉइंग आर मेड एंड ऑफ एवरी मंथ ऑफ सर्टेन अमाउंट देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ड्रॉइंग। तो ध्यान,
तो कब का? तो 5.5 महीना का। एंड ऑफ एवरी मंथ अगर निकालते हो, समझ गए ना, तो कब का ड्राइंग कैलकुलेट होगा? तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन ड्राइंग आर मेड एंड ऑफ एवरी मंथ ऑफ सर्टेन अमाउंट, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन द टोटल ड्राइंग 5.5 महीना का। हाँ, तो ये सारा कुछ मैं क्लास में करवा रखा हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, समझ गए? तो आपको बस 5.5 महीना याद रखना है इसमें। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हेमंत एंड दीपक आर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वर्ड है यहां पे, अंडरलाइन कीजिए। हाँ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 14,200। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, प्रॉफिट कितना है पूरे साल का? तो पूरे साल का प्रॉफिट है 14,200। अब इस प्रॉफिट में से क्या कह रहा है कि हेमंत क्लेम इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन द लोन 70,000 गिवन टू द फर्म। अब हेमंत ने फर्म को लोन दिया है 70,000, और हेमंत क्या कह रहा है कि मुझे साल का 12% ब्याज चाहिए। तो क्या हेमंत को मिलेगा साल का 12% ब्याज, क्योंकि हेमंत ने 70,000 फर्म को लोन के रूप में दे रखा है? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। तो इस 70,000 के लोन के ऊपर, ये जो 70,000 हेमंत ने लोन दे रखा है, इसके ऊपर केवल और केवल मिलेगा कितना मिलेगा पता है आपको? 6%। केवल और केवल मिलेगा तो 6%। हम आपको बता रखे हैं कि कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर 6% के दर से ब्याज मिलता है। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो। तो 7 × 6 = 42। 70,000 के ऊपर 6% अगर हम लगाएं, 70,000 पे 6%, तो 7 × 6 = 42, यानी 4,200 रुपया कहाँ चला जाएगा? देखो, 4,200 रुपया चला जाएगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। तो अब जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? तो देखिए, 10,000 का प्रॉफिट बचेगा, और एग्रीमेंट कुछ बना ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो पार्टनर कौन कौन है? हेमंत और दीपक है। तो एक तो हेमंत है और दूसरा दीपक है। तो देखो, हेमंत को कितना मिलेगा? तो इस प्रॉफिट को, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? प्रॉफिट को आधा आधा कर देंगे। तो हेमंत को 5,000 प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, दीपक को भी 5,000 प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। समझ गया ना, ये बट गया प्रॉफिट। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कौन दे रखा है? हेमंत दे रखा है 70,000 का। तो हेमंत को लोन के ऊपर कितना ब्याज मिल जाएगा? 4,200 रुपया का ब्याज मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हेमंत का जो हिस्सा होगा फर्म के अंदर, नौ हजार 200, और इसका जो हिस्सा होगा, क्योंकि ये लोन दे ही नहीं रखा है, इसका होगा 5,000। तो अब ऑप्शन देखिए, ये 5,000 और 9,900 वाला ऑप्शन ये है बी, तो बी नंबर आंसर आपका सही होगा। उसके बाद देखिए फिर 34 नंबर, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन द, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन द। तो पार्टनर के कैपिटल के ऊपर जो तुम ब्याज दोगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एप्रोप्रिएशन में। हम क्या बताए हैं कि पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो किस अकाउंट में उसको हम दिखाएंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये बनाते ही हैं डिविजिबल प्रॉफिट को जानने के लिए। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। इन द एब्सेंस ऑफ एन पार्टनरशिप डीड पार्टनर आर इंटाइटल टू, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? ना सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट एंड शेयर, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो ना ये मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ये मिलेगा, यानी ऑप्शन ये सही है डी। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड
पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो ना सैलरी मिलेगा ना प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल रेशियो में मिलेगा लेकिन इक्वल रेशियो में मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ये डी ऑप्शन सही। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज ए, पार्टनर के ड्रॉइंग पे जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है? तो बिजनेस के लिए लॉस है कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, कि प्रॉफिट फॉर द पार्टनर की लॉस फॉर द बैंक? तो देखो पार्टनर के लिए तो बाबू ये लॉस है, क्योंकि पार्टनर जो निकाला है फर्म से, सपोज करो तुम किसी बैंक से लोन लोगे और उस लोन पे तुम ब्याज कर पे करोगे तो वो तो तुम्हारे लिए लॉस है। सेम का है, सेम चीज। अगर किसी फर्म से कोई पार्टनर प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकालता है, उस पैसे पे अगर ब्याज पे करता है पार्टनर, तो पार्टनर के लिए लॉस है, समझ गए ना? लेकिन फायदा किसके लिए है? ब्याज वसूलता कौन है? तो ब्याज वसूलता है फर्म, तो फर्म के लिए फायदा है वो। हाँ, तो प्रॉफिट फॉर द फर्म। इसके बाद देखेंगे पार्टनरशिप में भी लिमिटेड अनलिमिटेड एट विल, यानी पार्टनरशिप एलएलपी अगर हम करते हैं, एलएलपी एक्ट 2008 के तहत, तो ये लिमिटेड भी हो सकता है। उसके बाद अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड मतलब है कि एक्ट 1932 के तहत अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पे पार्टनर का लाइबिलिटीज लिमिट अनलिमिटेड है। एट विल का मतलब क्या है? अपने मन के आधार पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों तरह का पार्टनरशिप हो सकता है, इसीलिए डी ऑप्शन सही। ठीक है बाबू, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप बने रहिए, आपका पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, 50 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा। हाँ ठीक है बाबू, बाय।